हेलो एंड वेलकम टू स्नेहस किचन। आज मेरे किचन में मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार भिंडी। मैंने आधी केजी भिंडी को अच्छे से धोकर काट लिया है। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच भुना हुआ बेसन और 3 बड़े प्याज जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग डाला है। फिर उसमें प्याज डालकर उसे भूनूंगी। जब तक प्याज भून रहा है, आइए मसाला तैयार करते हैं। मैंने एक कटोरी में ये भुना बेसन डाला, फिर उसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्च काटकर डाल रही हूँ। भुनने के बाद प्याज इस तरह से लगना चाहिए। अब इस प्याज में हम मसाले का पेस्ट डालकर अच्छे से भुनेंगे जब तक कि ऑयल अलग से दिखाई देने लगे। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें भिंडी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकने दीजिए। गर्मा गर्म मसालेदार भिंडी की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।